एक तरफ अग्निवीर की भर्ती हो रही है और उसी दौरान बीजेपी के ही एक मंत्री का ये लेटर वायरल हो रहा है। क्या है इस चिट्ठी में जो वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिख रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है अग्निवीरों की भर्ती के दौरान जो सवाल बनकर गूंज रहे हैं? ये चिट्ठी है किसकी? और सवाल ये भी कि क्या युवाओं की नाराजगी वाजिब है या फिर नहीं? मामला है क्या, किस राज्य का है और क्यों इस विवाद में बीजेपी के मंत्री रक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि सेना भर्ती के दौरान अनियमितता हो रही है? दरअसल विवाद जुड़ा है उत्तराखंड राज्य से, जहां सेना भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विवाद है लंबाई को लेकर। जी, अग्निपथ योजना के तहत आयोजित भर्ती रैली के दौरान कम लंबाई की वजह से लैंसडाउन और रुद्रप्रयाग के युवाओं के उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसकी वजह सेना में नियम और युवाओं की लंबाई से जुड़ा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या अपनी शारीरिक बनावट के चलते ये अग्निवीर योद्धा बनने से चूक गए या फिर इसके लिए इन्हें छूट दी जाएगी और क्या बीजेपी सरकार के मंत्रियों की मांग जायज है? तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीरों की भर्ती हो रही थी और उसी दौरान ही युवाओं की लंबाई नापी गई। उन्हें लोहे के फ्रेम से गुजरना था जिसमें सैकड़ों उम्मीदवार फ्रेम की ऊंचाई को नहीं छू सके। दौड़ पूरी करने के बावजूद शारीरिक प्रशिक्षण में लंबाई की बारीकी से जांच किए जाने के चलते कई युवाओं को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। नियम जायज है या फिर नहीं, लंबाई में छूट की सच्चाई क्या है, हम उस पर आए उससे पहले उत्तराखंड के दो दो मंत्री बकायदा अपनी ही सरकार से उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या गुहार लगा रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और जिस हाइट की उन्होंने बात की है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, मैं खुद उनके पास गया था और उत्तराखंड के नौजवानों को 5 सेंटीमीटर की छूट भर्ती में मिलती है, अगर कहीं इसका अनुपालन नहीं हो रहा होगा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की जाएगी, अजय भट्ट जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनसे बात करेंगे, चीफ से बात करेंगे और उसको हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इसका बकायदा इसका जियो रखा है और मेरे द्वारा इसका प्रयास किया गया। तो मंत्री ही कह रहे हैं कि भर्ती के नियमों की अनदेखी की जा रही है, भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को ज्यादा करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। सतपाल महाराज का अब ये पत्र भी देख लीजिए, मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इसी पत्र में वो तर्क देते हैं जो उन्होंने राजनाथ सिंह को लिखा कि उत्तराखंड का पहाड़ी बहुल क्षेत्र है और ऐसे में युवाओं की औसतन लंबाई कम होती है और उन्हें भर्ती के दौरान लंबाई में छूट दी जाती रही है। बकायदा इस पत्र में मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व CDS और थल सेना अध्यक्ष रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का जिक्र भी करते हैं और कहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान लंबाई में छूट का प्रावधान किया गया था। इस पत्र में वो लिखते हैं कि पहले लंबाई का पैमाना था 163 सेंटीमीटर और अब है 170 सेंटीमीटर, जिस वजह से युवाओं के फौज में जाने के सपने सपने बनकर रह रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय इसमें दखल दे और नियमों को वापस से वही किया जाए जो पहले थे। सिर्फ बीजेपी के मंत्री ही नहीं बल्कि कुछ और सेना के चेहरे इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण भड़तवाल ने सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने अग्निवीर भर्ती की दौड़ में 300 के बदले 150 युवाओं को दौड़ाने की मांग की है। भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है।
और उसमें से भी महज 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। वहीं भर्ती होने आए युवाओं की हाइट अब 100 सेंटीमीटर ली जा रही है। तो क्या अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं को नियमों में छूट मिलेगी? क्या उत्तराखंड के युवाओं और बीजेपी के मंत्रियों की मांग जायज है? और हाँ, क्या नियमों में अगर बदलाव हुआ तो फिर उस भर्ती रैली का क्या जिसमें युवाओं को सिलेक्ट किया गया? सवाल कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।